Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप 8 मंथ्स में CUTPG लॉ, दैट इज COQP 11, जो आपका कोड देता है आपको NTA, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. ये एग्जाम आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB के लिए एग्जाम है और कैसे आप अगस्त से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. मैं अज्यूम कर रही हूँ कि लास्ट ईयर एग्जाम मार्च में हुआ था और आने वाले टाइम में भी मार्च में ही लेकर चलते हैं, क्योंकि बाद में फिर धक्का लग जाता है, अरे ये जल्दी हो गया. नहीं, मार्च में एग्जाम, अगर हम पहले सिलेबस कंप्लीट करके पहले मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे, पहले सब कुछ कर लेंगे, तो हमारे फायदे के लिए ही है. एंड पहले कह रही हूँ मैं, मे बी मार्च में ही हो जाए एग्जाम, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च, इस साल मार्च में हुआ था 2024 में. 25 के अंदर हमें नहीं पता कब होगा, बट मार्च में चांसेस हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको सेट बैठ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले कर देते हैं ये PG और फिर UG, तो NTA वालों को सही बैठ रहा है, ठीक है. अब 8 मंथ्स की प्लानिंग करेंगे हम. अब सबसे पहले, क्या मैम हम लेट हो गए हैं, मतलब अब नहीं हो सकता है? देखो यार, तुम लेट कभी भी नहीं होगे, ठीक है ना. मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 मंथ में प्रिपेयर करके भी एग्जाम क्लियर किया, 2 मंथ्स में भी प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर किया, 3 मंथ्स में भी किया है, 4 में भी किया है. बट देखो यार, यहाँ पर जो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स वाले होते हैं, इनको बहुत 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 इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है. आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको समझना भी है, आपको मॉक टेस्ट भी देने, आपको ये भी देखना है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, टाइम मैनेजमेंट भी करना है, सब कुछ प्रैक्टिस करना है. तो 8 मंथ्स, मैं कहती हूँ जब 5 मंथ से अगर प्लस टाइम आपके पास है ना, तो वो बहुत ही ऐप टाइम है प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, जिसमें आप सब चीज़ें कर सकते हो. क्योंकि देखो, यहाँ पर आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना. सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि बस हाँ फटाफट से हड़बड़ी में पढ़ लिया, नहीं. आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, आप यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस भी लगाओगे, आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे भी काम करोगे, थ्योरी भी पढ़ोगे और इसी टाइम पे नोट्स भी बनाओगे, क्योंकि नोट्स ज़रूरी है ना, क्योंकि रिविजन करना है. जब ये वाला स्टेप खत्म हो जाएगा, फिर आप आ जाओगे रिविजन पर, फिर आप रिविजन करोगे, ठीक है ना. रिविजन में आप दोबारा से MCQs लगाओगे, ठीक है ना. आप थ्योरी में जो नोट्स बनाए हुए हैं वो रिवाइज करोगे, ठीक है. और साथ साथ में आप मॉक टेस्ट लगाओगे. मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल होते हैं. हमारे मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, रिव्यूज हैं स्टूडेंट्स के. loggery.in पर आप जाओगे, वहाँ पर मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और फिर वहाँ पर अटेम्प्ट करोगे. आपको पता चलेगा मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, उन वीक टॉपिक्स पे आप काम करोगे एंड देन यू विल सी एन इंक्रीज इन स्कोर. फिर आप देखोगे, आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे कि यार ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, ठीक है ना. एंड देन उसके बाद आप पेपर में एक अच्छा रैंक, एक अच्छा स्कोर लेकर आओगे. ये एक जर्नी है. बहुत बच्चों को लगता है कि बस सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं, आपको ये सारी जर्नी, ये सारे पड़ाव जो हैं ये क्रॉस करने पड़ेंगे एंड तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कैसा पेपर होता है. हिंदी और इंग्लिश में पेपर होता है. आपका जो हर एक क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है. 1 question is equal to 4 marks, ठीक है ना. 105 मिनट्स दिए जाते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए. 75 questions होते हैं. यस, ये भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है. 75 questions लेंदी हो जाते हैं कभी कभी, सो इसलिए मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं. अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ऑफिशियल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ हमें. इंग्लिश में से कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में से कितने, स्टैटिक GK, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, मैथ्स, नहीं पता. तो हमारे लिए सब इक्वली इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर हम PYQs को एनालाइज करें, अगर हम कहें कि अच्छा नहीं नहीं फिर भी बता दो ना कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश, लॉजिकल, स्टैटिक, कंप्यूटर्स, ये तो आते आते हैं और मैथ्स भी आता है और इस बार करंट अफेयर्स भी आ गया, तो बताओ क्या क्या सीक्वेंस बनाऊं, ठीक है ना. इतने सालों से बच्चे बोल रहे हाँ करंट अफेयर्स छोड़ जाते हैं, करंट अफेयर्स तो आते ही नहीं है. पर NTA ने सिलेबस में रखे हुए थे, डाल दिए NTA ने लास्ट ईयर, फिर क्या किया तुमने, नहीं. सो यू हैव टू स्टडी द इंटायर सिलेबस. NTA ने पूरे अच्छे से हमें सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना. अब यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखें, तो इंग्लिश में 1 word सब्सटीट्यूशन आते हैं, ठीक है. आपके idioms आते हैं, synonym, antonyms आते हैं. ये तीनों जो मैंने मार्क किए अभी, इसकी आपको लिस्ट याद करनी पड़ेंगी. चाहे आप SB बख्शी की बुक ले लीजिए, चाहे आप नीतू मैम की बुक ले लीजिए, चाहे आप ढिल्लो पब्लिकेशंस ले लीजिए, चाहे आप एनी अदर ले लीजिए, कोई और बुक आपको अच्छी लगती है जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, आप ले सकते हैं फॉर इंग्लिश, ठीक है ना. अब इसके अंदर बाकी सब के अंदर, इंग्लिश के अंदर मैं चॉइस देती हूँ कि आप कोई भी बुक में से पढ़ लो, बट बाकियों में जो बुक मैं बता रही हूँ वो पढ़ना है. देखो यार, मेरा कोई कमीशन नहीं है उसके अंदर, बट वो प्रूवन बुक्स हैं, उसको पढ़कर बच्चों ने पेपर क्लियर करे हैं. तो प्लीज़ टेस्ट मत करो. तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम ट्रायल एंड टेस्टिंग करो कि भाई कौन सी बुक अच्छी है. नहीं, वो मैं कर लूँगी. तुम बस फॉलो करो कौन सी बुक मैंने बताई है.
उसके बाद आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जंबल सेंटेंसेस, इनको भी कर कर ख़त्म कर दो, प्रैक्टिस करके ख़त्म कर दो. फिर तीसरी चीज़ पे आएंगे तुम्हारे ग्रामर. ग्रामर में एक्टिव पैसिव टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, इवन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर दो. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर दो, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर दो. और फिर उसके बाद जब तुमने रूल्स याद कर लिए, तुम्हें प्रैक्टिस कर ली, तो करेक्शंस, करेक्ट सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स, फिलअप्स, ये वाले टाइप के क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जिसमें आपको वोकैब अगर करी हुई है, अगर आपने ग्रामर पढ़ी हुई है, तब आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना. अगर हम ऑफिशियल सिलेबस देखें तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, आर जंबल पैराग्राफ, वही जंबल सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनोनिम, इडियम्स, और जो पी वाई क्यूज के अंदर आया हुआ है उसके बेस पे मैंने आपको ग्रामर बता दी कि टेंसेज, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, ये सब आता है. तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है. प्लीज़ अपनी एक नोटबुक लगा लो जिसके अंदर आप जो जो एग्जाम्स देना चाह रहे हो उनका पैटर्न, उनका सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए, बहुत हेल्प करता है. उसके बाद स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई लास्ट ईयर ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा. आप ना लास्ट ईयर के बेसिस पे कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते, आपको कंक्लूजन निकालने होते हैं 5 से 6 साल का जो पेपर होता है उसको देखते हुए कि क्या रहा है, ठीक है ना. पहले CUCET था, ठीक है, अब CUET आ गया है, क्या रहा है पेपर, ठीक है, उसके हिसाब से. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इम्पॉर्टेंट है. आप यहाँ पे आने वाले टाइम में 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस की कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, बुक्स, ऑदर्स, अवार्ड्स, किसने कौन सी बुक लिखी है, अवार्ड्स किस लिए दिए जाते हैं, कौन सा वाला अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल करने हैं. अगर हम ऑफिशियल सिलेबस देखें, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, जब करंट अफेयर्स में कोई पर्सनालिटी पढ़ते हो, किसी की डेथ हो गई है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है ना, कोई अलग सा स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे सुनील एक टेनिस प्लेयर है, सुमित नगाल, ठीक है, वो आ रहे हैं, इंडियन प्लेयर हैं, टेनिस में आ रहे हैं, तो पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये करंट में से आपको करना होगा. नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, आप साइंस, पॉलिटिक्स, ये आपका करंट में से होगा. लीगल अवेयरनेस करंट में से होगा, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, कल्चर में आप फेस्टिवल्स और ये सब याद करो, ठीक है ना. तो हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ये सारे आपको करने हैं. इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, अरिहंत की 2750 MCQs की बुक आती है, वो ले सकते हो. प्लस आप ल्यूसेंस पढ़नी स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा, जो बहुत बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि हमसे स्टैटिक जीके खुद से नहीं हो रहा है, तो मेरा कोर्स भी आ जाएगा. यस, स्टैटिक जीके का मेरा कोर्स भी आ जाएगा, ठीक है ना. अभी नहीं आया है बट आ जाएगा. बट उससे पहले मैं कहूँगी इसकी वेट बाद में करना, ये आ गया, लेना हुआ तो ले लेना, बट आप खुद की अपनी पढ़ना इन दो बुक्स में से चालू कर दो. ल्यूसेंस इज कम्प्लीटली थ्योरी, अगर आपसे थ्योरी नहीं पढ़ी जाती है तो फिर आप ल्यूसेंस मत लेना, फिर आप अरिहंत में से ही कर लो, ठीक है. अब लीगल अवेयरनेस पे बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें जजमेंट्स पढ़नी चाहिए, हमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल टर्म्स, लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है. आपको जो करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पे जो लीगल न्यूज़ आ रही है वो आपने अच्छे से पढ़नी है, ठीक है. जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पर गवर्नर की न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि गवर्नर जो है वो प्रोटेक्टेड है, इम्यूनिटी है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल केस नहीं फाइल कर सकते गवर्नर के अगेंस्ट, तो कौन सा आर्टिकल है गवर्नर से रिलेटेड, क्या कहता है वो, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई है जिसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में जजमेंट देखो यार, आप लोगों को लाइव लॉ, बार एंड बेंच ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो एडवोकेट्स की वेबसाइट है, आपको आ ही नहीं रहा. आपको एक बात यहां पर मैं आपको एक टिप दे रही हूं, ठीक है ना, जब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो ये बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ, सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ, एवरीथिंग. टेलीग्राम पे कोई पोस्ट आ गया है वो भी आपको पढ़ना है, किसी और सब एग्जाम का है, लॉ एंट्रेंस लिख दिया तो चको पढ़ लो उसको भी, सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते. जो आपके सिलेबस में अगर आप उसको ही इतनी बार पढ़ लो अच्छे से तो बहुत बेटर रहेगा. आप सब कुछ पढ़कर जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, और जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है. अब अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, देखो यार करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं. प्लीज़ अगर आप पिछले पुराने बैच से पूछोगे, 1-2 साल पुराने वालों के, वो कहेंगे कि नहीं नहीं मत करो, बट जो इमीडिएट पुराने वाला उससे पूछोगे तो वो कहेंगे भैया पक्का करके जाना, क्योंकि उनके टाइम पे करंट अफेयर्स आए हैं इसलिए, ठीक है, वो झूठ नहीं बोल रहे बेचारे. अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ द हिंदू की
एनालिसिस होता है वो आप फॉलो कर सकते हो. बेस्ट पार्ट इज नोट्स बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं. या देखो करंट अफेयर से बहुत बच्चे नफरत करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता, रट्टा मारते रहते हैं, लर्न करने की कोशिश करते रहते हैं, लर्न होता नहीं है, बार बार फिर नफरत हो जाती है, समझ में नहीं आता. तो समझना है तो आ जाओ यहाँ पे, 6 PM पे क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. नोट्स भी बनवाती हूँ, समझाती भी हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवाती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, आप क्या कर सकते हो अगर आपके पास हर रोज़ क्लास लगाने का टाइम नहीं है? blogree.in पे जो कंपाइलेशन है, मंथली कंपाइलेशंस आती हैं हमारी, ₹300 की होती हैं ये कंपाइलेशन पर मंथ की, वैलिडिटी खूब मिलती है, एग्जाम के बाद तक भी रहते हैं ये. यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, आपकी नॉलेज उतनी रहेगी जैसे कि एक द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे की है या क्लास जो हर रोज़ लगा रहा है उसकी है. बट आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है क्योंकि 7 to 8 hours के लेक्चर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग पूरी होगी, लर्न होगी, इसमें नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी हैं. तो इन दोनों में से प्लीज़ एक ही चीज़ फॉलो करो. कोई भी आप अगर मैगजीन्स फॉलो कर रहे हो, रैंडम मैगजीन्स फॉलो कर रहे हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एंड में जाकर पछताओगे, फिर कहोगे क्या करें क्या करें, फिर ये लेक्चर्स तब खरीदोगे, फटाफट देखोगे, इससे अच्छा अभी एक एक करके धीरे धीरे देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स, कब से लेकर कब तक हम करंट अफेयर्स कवर करें. देखो यार, टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है, अगर हम पैटर्न देखें NTA का, CUT, UG के अंदर और सब में, आपको 12 मंथ्स की न्यूज़ फॉलो करनी चाहिए. तो आपको या तो देखो, अगर मार्च में पेपर होता है तो मार्च टू मार्च आपको करंट अफेयर्स फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो मई टू मई करंट अफेयर्स फॉलो करनी चाहिए आपको 12 मंथ्स की, ठीक है ना. ये मैं अब कहूँगी, पहले मैं जून कहती थी बट अब मैं कहूँगी कि मई टू मई या मार्च टू मार्च करनी पड़ेगी. बैकलॉग के लिए अगेन loggery.in से आप कंपाइलेशन ले सकते हो, ठीक है ना. इतनी भी अब अगर आप मार्च टू मार्च, मई टू मई कवर कर लोगे ना, इतना बहुत है. जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो एंड रिवाइज करो. बच्चों ने पेपर क्लियर किया है यही पढ़कर, ठीक है. उसके बाद कंप्यूटर्स में ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं. अरिहंत की MCQs वाली बुक आती है, वो आपने खरीदनी है और वो सॉल्व करनी है, दैट्स इट. उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, बच्चे वही कर जाते हैं. उसके बाद मैथ्स की बात करें, प्लीज़ फॉर गॉड सेक RS अग्रवाल नहीं खरीदनी है. अब बहुत बच्चे होंगे जो स्किप करके ये वीडियो देख रहे होंगे और ये बुक खरीद लेंगे, नहीं खरीदनी है, नो. आपको कौन सी बुक खरीदनी है? आपको 18 डेज वंडर भी नहीं खरीदनी है, आपको 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न खरीदनी है. प्लीज़ गाइज, कोई वजह है जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ, 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न जो है वो बुक आपने खरीदनी है, ठीक है ना, और उसमें से पढ़ना स्टार्ट करना है. जो टॉपिक्स यहां पर दिए हुए हैं वही पढ़ने हैं, सारी की सारी बुक नहीं पढ़नी होती है, जो टॉपिक आपको दिए होते हैं वही पढ़ना है. क्योंकि जो ये एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स हैं ये कॉमन होती हैं बट सिलेबस कॉमन नहीं होता है. उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे. लॉजिकल रीजनिंग को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक पजल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और एक आपके थोड़ा इंग्लिश टाइप क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं. दोनों के लिए जो बुक है वो अलग है, ठीक है ना. पजल के लिए आपको RS अग्रवाल लेनी पड़ती है, ठीक है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल. क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आपको MK पांडे लेनी पड़ती है, ठीक है ना. अब यहाँ पर कौन से टॉपिक किसमें से करने हैं? देखो, रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स, ये सारे आपके पजल टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं. पजल टेस्ट का टॉपिक RS अग्रवाल में से कर लोगे, बढ़िया हो जाएगा. जो रेड वाले लिख रही हूँ ना, ये वो यहाँ से करने हैं. उसके बाद आपके आ जाते हैं नंबर सीरीज, सीरीज नाम का होगा, अल्फाबेटिक नंबर दोनों कर लेना. ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशंस के नाम से होता है. कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के नाम से ही होता है. उसके बाद आपके सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं. डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट होता है, डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, ठीक है ना. नंबर रैंकिंग सीक्वेंस करना है और अरिथमेटिक रीजनिंग करना है. नंबर रैंकिंग सीक्वेंस और अरिथमेटिक रीजनिंग भी करनी है, ठीक है ना. ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स करवा रही हूँ मैं, बट ये कर लो, अभी टाइम है, कर सकते हो, हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है. ये आपके यहाँ से रहोगे, ये वाली बुक से, RS अग्रवाल से. उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपको करना है आर्ग्यूमेंट्स, कॉज इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस. कंक्लूजन इन्फ्रेंस एक ही टॉपिक है, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन में ही आपको कंक्लूजन वाले टाइप मिल जाएंगे MK पांडे में. ये आपको करना है. और MK पांडे में ना एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक होगा, या प्रॉब्लम सॉल्विंग करके टुवर्ड्स दी एंड. उसमें बताया हुआ है कि ये वाली बुक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, टेबल कैसे बनाना है, ठीक है, ट्री कैसे बनाना है ब्लड रिलेशन का, तो वो देख लेना, बहुत बढ़िया हो जाएगा. मतलब RS अग्रवाल सॉल्व करने से पहले MK पांडे की सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना,
बढ़िया सही हो जाओगे, ये करना है आपको. और जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, कोई भी टिप आपको पता चलता है, टिप्स पता चलते हैं, उनको नोट कर लो बुक में ही, ठीक है. आंसर नहीं मार्क करना बुक के अंदर, क्योंकि सेम क्वेश्चन से ही रिविजन हो सकती है. जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ यार ये सॉल्व करके ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई, या जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया, उनको मार्क कर लेना पेंसिल से, ठीक है ना. रिविजन के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प होती हैं, ठीक है ना. अब यहाँ पे टिप्स जो रिविजन के टाइम है, मैथ्स के फॉर्मूला लिस्ट बना लेना, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आंसर यहाँ पे भी मार्क नहीं करना, कोई टिप पता चल रहा है उसको अच्छे से नोट बुक थोड़ी क्लीन, मतलब मार्क करने में पता चलना चाहिए, ठीक है ना. ये आप कर सकते हो. ये जो स्टैटिक जीके का है, स्टैटिक जीके के आप नोट्स बना सकते हो जब MCQs पढ़ रहे हो, कि थोड़ा गूगल कर लिया कि ये क्या है वो है, थोड़ा आई नो बहुत टाइम लगता है, बट देन अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा तो स्टैटिक जीके का आप कोर्स ले लेना जब भी आएगा, बट खुद से भी मेहनत करो अभी, ठीक है ना. अब यहाँ पर बच्चे पूछते हैं व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बिगिन. जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये एग्जाम देना है, देन इज़ द राइट टाइम. विल द सिलेबस चेंज? कोई मेजर चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी बेसिक सिलेबस है. व्हेन इज़ द एग्जाम? कब हो सकता है? या तो मार्च में होगा, मार्च के बाद कभी भी आप एग्जाम हो सकता है, मार्च मतलब फेब के बाद कभी भी हो सकता है. तो फेब से पहले पहले आपको सब कुछ कंप्लीट करके रखना है, ठीक है ना. अब अगर मैं टाइम टेबल शेयर करूं आपके साथ, आपने अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, आप ये टाइम टेबल फॉलो करने लग जाओ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट लगाओ, अपनी दीवार पे लगा दो और ये फॉलो करना है. करंट अफेयर्स डेली, अगर आप एजुगिरी फॉलो कर रहे हो तो फिर लग जाओ एजुगिरी फॉलो करने, ठीक है ना. बैकलॉग जो है उसके लिए करंट अफेयर्स बैकलॉग जून के खरीद के उसको खत्म करो, ठीक है ना. एक्टिव पैसिव करना है, अच्छे से खत्म करो, ठीक है ना. अवार्ड बुक्स, ऑदर्स, हिस्ट्री करनी है तो ट्राई करो ल्यूसेंस और अरिहन दोनों में से खत्म करके इसको रख दो. देखो यार इतने टॉपिक्स आपको पूरे 30 डेज अगस्त के हैं यार, ये इतना नहीं पढ़ सकते तुम, इतना नहीं पढ़ सकते, फिर तो तुम्हें वकील बनना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो, रहने दो. लॉयर्स एडवोकेट्स हैव टू स्टडी सो मच, इतना कुछ, ये तो उनके पहले हाफ यू नो, इतना काम तो एक लॉयर फर्स्ट हाफ में कर देता है सुबह 6 o'clock 4 o'clock उठकर, और तुम्हें लॉयर बनना और तुम इतना मंथ में नहीं कर सकते हो, तो फिर मत बनो, ठीक है ना. तो ये सारा जो शेड्यूल है ये तुम्हें फॉलो करना है. कॉन्स्टिट्यूशन हाफ अगस्त में करो, हाफ तुम सितंबर में करो. सारा शेड्यूल जो है मैंने दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत है, तुम्हें इसका प्रिंट आउट चाहिए, कमेंट में प्रिंट आउट डाल देना. मैं तुम्हें ये जो है ये सारा जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी. टेलीग्राम का जो मेरा नाम है, मैं धीरे धीरे लेके जा रही हूँ कि अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है, ठीक है. देखो फेब्रवरी मार्च हम किसके लिए रखेंगे? मॉक टेस्ट के लिए. loggery.in पर मॉक टेस्ट आ जाएंगे, उससे पहले ही आ जाएंगे, ठीक है ना. जब आप कहोगे मॉक टेस्ट आ जाएंगे, अपडेटेड मॉक टेस्ट विद करंट अफेयर्स आ जाएंगे, बट हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. ट्राई करो सिलेबस हमारा दिसंबर में कंप्लीट हो जाए, ये वाला पार्ट भी उठाकर जब जल्दी खत्म हो जाए ना, जैसे मान लो अगस्त का सिलेबस जल्दी हो गया, अभी 10 डेज पड़े हैं अगस्त के, ऐसा नहीं कि चिल मारो, नो, सितंबर का उठा के करो. तुम्हें ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी अच्छे से विद नोट्स सिलेबस कंप्लीट हो विद प्रैक्टिस, ठीक है. अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? हाँ मैं बता रही थी कि प्रिंट आउट लिख देना, मैं टेलीग्राम जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगी. टेलीग्राम लॉगरी के नाम से है. एंड ऑल्सो आप मेरे साथ इंस्टा पे ज़रूर कनेक्ट हो. इंस्टा पे मैं @iamlogri के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे चैट होती है, ठीक है. एंड ऑल्सो गाइज आप जो है मेरे साथ 1-on-1 पेड सेशन भी बुक कर सकते हैं. ये सेशन पेड होता है, इंस्टा वाला जो है वो फ्री है. और टेलीग्राम पे ना अपडेट्स आते रहते हैं कि ये एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आया है, तो जो जो एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो देख लो कि हाँ ये कर रहे हैं. इवन इंस्टा पे भी डालती रहती हूँ, टेलीग्राम और इंस्टा दोनों पे फॉलो कर लेना. अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखो अगर आप डेली पढ़ सकते हो ना, उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती अगर आप डेली पढ़ सकते हो. बट डेली नहीं भी पढ़ सकते, सेमेस्टर एग्जाम है कुछ ऐसा है, तो आप वीकेंड पे ऑल्टरनेट डेज पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो. अगर आप एजुगिरी लगा रहे हो तो 1 आवर एजुगिरी का लगाया, 30 मिनट्स ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग. मैंने एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर ही बताया है कि आपको रिविजन कैसे करनी है, तो वो देख करके आप ये करना. तो 1 आवर 30 मिनट्स आपने करंट अफेयर्स को दे दिए. 2 आवर्स में आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, 2 आवर्स में, मतलब अगर आप हर रोज 5.5 आवर्स दे सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना. यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, ये नहीं कि एक टॉपिक एक दिन में पूरा करना है, नहीं, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पार्ट्स में पढ़ लो, ठीक है ना. 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट 1 इधर, 1 सब्जेक्ट 2 इधर चलाना है, ठीक है. आप न्यूज़पेपर की क्लास हर रोज़ फॉलो नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो loggery.in के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो देख लो, ठीक है ना. आप 1 आवर दे सकते हो दिन में, 30 मिनट्स दे सकते हो, 15 मिनट्स दे सकते हो, 20 मिनट्स दे सकते हो, या फिर आप इतने नहीं दे सकते, आपको एक दिन में ही पूरा देखना है. व्हाटएवर आप जैसे भी एडजस्टेबल कर सकते हो ये करो, क्योंकि 7-8 आवर्स के लेक्चर्स हैं. 7-8 आवर्स को आपको डिवाइड करना है कि एक बार में करना है या डिवाइड करना है, तो वो कर लो. बट
आपको अपना ऐसा करना है कि हर रोज 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, बट अगर 4 घंटे पढ़ो तो कितना सिलेबस होगा उतना आपको वीक में जैसे तैसे सिलेबस खत्म करने की कोशिश करनी है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर सॉर्ट हो गए, बहुत बच्चों का करंट अफेयर्स दिक्कत होता था जब हम ये सेशंस नहीं लेकर आए थे, loggery.in से ये सॉर्ट हो गए, ठीक है। तो कमेंट करो आप कितना एम कर रहे हो, कितना एम कर रहे हो, 300 में से कितने मार्क्स लेकर आने हैं, 300 में से कितने मार्क्स लेकर आने हैं। अगर सच में एडमिशन चाहिए ना 200 प्लस नहीं 225 230 प्लस के लिए एम करना पड़ेगा, 250 प्लस के लिए एम करना पड़ेगा। कौन कौन इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है, कौन कौन करने के लिए तैयार है, कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना कौन कौन ये शेड्यूल चाहता है कि दीवार पे लगाए, कौन कौन मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेजेगा कि हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ हर रोज़, क्या तुम मुझे पढ़ते हुए कि फोटोग्राफ भेज सकते हो, हर रोज़ पढ़ना है। सो या गाइज यू कैन डू इट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एम करो, इट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी बाय इट्स नेम, आपको नेम टैग बहुत हेल्प करेगा। तो येस पैसे भी कम लगते हैं, ठीक है, एडमिशन में कॉम्पिटिशन है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो येस फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। शॉर्टकट नहीं मारना, ये नहीं बोला मैथ्स डिफिकल्ट है, ये नहीं बोला लॉजिकल नहीं हो रहा है, ये नहीं बोला अरे करंट अफेयर याद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कितना एम करो, इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर।